हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लेक्सिबल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 100 MCQs का सेकेंड पार्ट, जो कि 50 क्वेश्चन बाकी रह गए थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप सारे फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल में जाओ, जाके देख लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की तरह ही इस पार्ट में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द लॉ ऑफ कर्म मीन्स, कर्मों का नियम का अर्थ क्या है? नंबर वन, वन इज इरिस्पॉन्सिबल। नंबर टू, वन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वन डज। नंबर थ्री, वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स डू। एंड नंबर फोर, वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वन डज। देखो, फर्स्ट टू ऑप्शंस तो नेगेटिव की तरह बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में लिखा है नॉट रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो अगर मैं कोई काम करूँगा ना तो उसके जिम्मेदार होऊंगा, या फिर जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसके जिम्मेदार होंगे। तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। अगर मैं कोई काम करूँगा तो मैं उसके जिम्मेदार होऊंगा। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। देखो, एसर्शन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रभाकर एवरी नॉलेज इज ट्रू एंड नथिंग फॉल्स एवर अपीयर्स इन एनी एरर, ठीक है, ये तो सही है। अब देखो रीजन में क्या बोल रहा है, एरर इज ड्यू टू लैप्स ऑफ मेमोरी, ये तो सही है। एंड वी डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरी, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एसर्शन और रीजनिंग वाला, ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन में ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन को टिक करके आ सकते हैं, ठीक है, चांस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग इस क्वेश्चन को ना ये लेकर थ्री टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा याद है आपको, कौन सा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस, ठीक है। अब दूसरा कौन है ना, कौन सही है अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस। और अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लिखा है इस स्टेटमेंट में कौन बोला है व किसने बोला है। तो आपको समझना आना चाहिए कि एक ही क्वेश्चंस को थ्री टाइम्स पूछ सकते हैं, तो हमें क्वेश्चंस को ठीक से समझना होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नान ऑफ देम, ठीक है। द अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सॉक्रेटिस सेड द स्टेटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एथिकल थ्योरी दैट answers questions ऑफ व्हाट टू डू और हाउ टू लाइव इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी और हैप्पीनेस इज नोन एज। देखो इस क्वेश्चन में ना जो कीवर्ड छुपा है वो है मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, जो उपयोगिता की बात हो रहे हैं। देखो ऑप्शंस में देखो यूटिलिटेरियनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी और हैप्पीनेस। हेडोनिज्म में भी हैप्पीनेस की बात होती है, ठीक है। हेडोनिज्म में मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम यूटिलिटी की बात नहीं होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द टर्म फॉर दोज एथिकल थ्योरी दैट रिगार्ड हैप्पीनेस और पीसा एज द सुप्रीम एंड ऑफ लाइफ। देखो इस क्वेश्चन में हैप्पीनेस का बात हो रही है, ठीक है। हैप्पीनेस का मतलब क्या है, हेडोनिज्म हो सकती है या फिर यूटिलिटेरियनिज्म हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और सी, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। देखो हेडोनिज्म में क्या होता है, हैप्पीनेस की बात होती है, ठीक है, बट जो यूटिलिटेरियनिज्म होती है वो मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हेडोनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर नॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग शिप बट इन ऑर्डर दैट शिप मे नॉट बी स्टोलन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। आपको भेड़ चोरी करने के लिए पनिश नहीं किया जा रहा है, ठीक है, आपको पनिश किया जा रहा है इसलिए,
ताकि और आगे जाकर कोई भेड़ चोरी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिवेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, कि आगे जाकर कोई ऐसा काम ना करे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन अकॉर्डिंग टू नया इज। देखो, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन का मतलब है जो डिटर्मिनेट नहीं है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट परसेप्शन का दूसरा नाम है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। तो जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होती है वो सविकल्पक प्रत्यक्ष से पहले आते हैं। अगर मैं कोई चीज़ को डिफाइन करना चाहता हूँ तो पहले अनडिफाइनेबल होते हैं और उसका कोई नाम नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर मैंने डिफाइन कर लिया तो ये निर्विकल्पक नहीं रहेगा, ये सविकल्पक हो जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ अनडिफाइनेबल और नेमलेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन एंड एन ऑब्जेक्ट इज स्पेशल कॉज ऑफ। हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा जो हम कोई ऑब्जेक्ट को जानता हो तो किसके वजह से, हम प्रत्यक्ष द्वारा जानते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष, ठीक है। इंद्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम, ठीक है। ये कोटेशन आपने याद रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अटेम्प्ट टू डिफाइन गुड अमाउंट्स टू कमिटिंग नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी, दिस इज द व्यू ऑफ। देखो, यहाँ पर गुड को डिफाइन करने की बात हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मूर ने किया है, और जो फिलॉसफी होती है वो क्या होती है, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी होती है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी क्या है, द आउटकम ऑफ आइडेंटिफाइंग एन एथिकल कॉन्सेप्ट विथ नेचुरल कॉन्सेप्ट, मतलब प्राकृतिक अवधारणा के साथ एक नैतिक अवधारणा की पहचान की बात हो रही है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जी ई मूर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेम्पोररी फेमिनिस्ट एथिक्स इज सेंसिटिव टू। देखो, अभी जो नारीवादी है ना वो सारे के सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, समकालीन नारीवादी नैतिकता लिंग पर पक्षपात के प्रति संवेदनशील है। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेंडर बायस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेत्ताभाषा, ये कौन सा हेत्ताभाषा है। देखो, यहाँ पर इटर्नल की बात हो रही है, द साउंड इज इटर्नल, ठीक है। इसका कारण क्या है, बिकॉज इट इज कॉज्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी कारण की बात हो रही है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विरुद्ध, ठीक है, ऑप्शन ए, विरुद्ध हेत्ताभाषा। अब नेक्स्ट, पी वैल क्यू इज फॉल्स व्हेन। देखो, पी वैल क्यू कब गलत होती है, अगर पहले ये देखते हैं कि पी वैल क्यू कब ट्रू होती है, ठीक है। तो जहाँ पर मेन फंक्शंस वैल होती है ना, वहाँ पर कोई भी वन पार्ट ट्रू हो जाए तो फुल स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। और फॉल्स कब होती है, जब दोनों पार्ट ही फॉल्स है तब हमारा जो मेन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर फॉल्स पूछा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ठीक है। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो तो ट्रू के कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो रूल्स ऑफ इन्फरेंस, ठीक है, जो सारे रूल्स होते हैं यहाँ पर पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से डील करेंगे, देखो एलिमिनेशन मेथड से। अगर आपको नहीं पता तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, एक ही ऑप्शन में हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, मोडस पोनेंस एम पी जो रूल होता है वो क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, पी देयर फॉर क्यू। तो देखो, ए को टू से मिला दे तो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। आप बाकी सारे रूल्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, मोडस टोलेंस, ठीक है, एम टी, देखो बी को वन, पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन क्यू, देयर फॉर नेगेशन पी, ठीक है। अब देखो, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म एच एस का रूल क्या है, देखो सी को फोर से मिला दो, देखो पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, देयर फॉर पी इम्प्लाइज आर, ठीक है। अब देखो, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म डी एस का रूल क्या है, देखो पी वैल क्यू,
नेगेशन पी देयरफॉर क्यू। तो यह पर जो ऑप्शन में दिया हुआ ना, यह पर थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, यह पर नेगेशन पी होगा, ठीक है, नेगेशन क्यू नहीं। तो पी वेल क्यू, नेगेशन पी देयरफॉर क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने अभी एक क्वेश्चन को देखे है ना कि पी वेल क्यू का फॉल्स है, यहाँ पर हम लोग वही रूल्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाला। देखो यहाँ पर गलती नहीं होना है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेशन, ठीक है, नेगेशन ए वेल एक्स, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए इज ट्रू, तो ए इज ट्रू एंड एक्स इज फॉल्स, तो एक्स इज फॉल्स, देन नेगेशन ए वेल एक्स। तो देखो टी वेल एफ, ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, उसको पहले नेगेशन एक है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो दरवाजा पर कौन खड़ा है, नेगेशन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉल्स। तो ये कब ट्रू होता, अगर दोनों ही फॉल्स होता, ए इज फॉल्स एंड एक्स इज फॉल्स, देन ये ट्रू हो जाता, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ ऑथर का नाम दिया हुआ है और उसको जो किताबें हैं वो लिखा हुआ है, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो, अर्नेस्ट इज द ऑथर ऑफ द इकोलॉजी ऑफ विजडम, ये तो सही है। पीटर सिंगर इज द ऑथर ऑफ एनिमल लिबरेशन, ये भी सही है। मिचेल सैंडल इज द ऑथर ऑफ पब्लिक फिलोसफी, ये भी सही है। अमर्त्य सेन इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि दास कैपिटल जो ग्रंथ है वो लिखा था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, पब्लिक फिलोसफी ये मिचेल सैंडल ने लिखा है, प्रैक्टिकल एथिक्स ये पीटर सिंगर ने लिखा है, और द इकोलॉजी ऑफ विजडम ये अर्नेस्ट ने लिखा है, ठीक है। आई होप कि आप ये अब नहीं भूलोगे। एक चीज़ और देखो, जहाँ पर एनिमल की बात होगी ना, ठीक है, अप्लाइड फिलोसफी में, तो आपको याद होना चाहिए कि ये पीटर सिंगर ने बोला है या पीटर सिंगर ने लिखा हुआ है, ठीक है। एनिमल लिबरेशन के ऊपर पहले कौन बोला है, पीटर सिंगर, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। एनिमल लिबरेशन का जो बुक है वो लिखा है पीटर सिंगर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ एसोसिएटेड विथ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ठीक है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन संबंधित है। देखो लॉक तो रियलिज्म है, ये तो किसी भी तरह का नहीं होगा। अब कांट तो क्रिटिकल फिलोसोफर है, ये भी नहीं होगा। अब देखो बोनास्क्वेट और बार्कले, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा वो है बार्कले, ठीक, ऑप्शन बी। और बोनास्क्वेट कौन सा फिलोसोफर है, वो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के बारे में बात कर रही है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो बार्कले सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, बोनास्क्वेट ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, और कांट जो है क्रिटिकल फिलोसोफर, और लॉक जो है वो रियलिज्म के ऊपर बात की है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लिस्ट वन में दिया हुआ है भेदा, चार्वाका, मीमांसा और वैशेषिका, ठीक है। और लिस्ट टू में दिया हुआ है फायर बर्न्स आउट ऑफ इट्स ओन नेचर, फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ रितो, फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ इट्स बर्निंग पावर व्हिच इज सेपरेट पदार्थ, और नंबर फोर में है फायर इज द फिजिकल सब्सटेंस। देखो रितो जो है वो वेद से संबंधित है, तो ए को टू से मिला दो, तो भेदा फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ रितो, ठीक है, तो ए को टू से मिला दे तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन टू, ठीक है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन टू। देखो बाकी को भी हम एक बार देख लेते हैं। चार्वाका तो स्वभाववाद की बात करी होगी, तो फायर बर्न्स आउट ऑफ इट्स ओन नेचर, ठीक है, तो बी को वन से मिला दो तो भी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। अब देखो मीमांसा फायर बर्न्स बिकॉज ऑफ इट्स बर्निंग पावर, ठीक है, दैहिक शक्ति व्हिच इज सेपरेट पदार्थ। अब देखो वैशेषिका, फायर इज अ फिजिकल सब्सटेंस, तो इस वजह से हमारे जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एस मिल सब्सक्राइब्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे, देखो
यूटिलिटेरियनिज्म का जो फाउंडर है वो है जेरेमी बेंथम, ठीक है। जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियंस को डिस्क्राइब किया है यूटिलिटी एज दैट प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट हायर बाय इट्स टेंड्स टू प्रोड्यूस बेनिफिट एडवांटेज प्लीजर गुड और हैप्पीनेस टू प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ मिसचीप पेन इविल और अनहैप्पीनेस टू द पार्टी हुज इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड। देखो अब यूटिलिटेरियंस का जो एक भाषण है वो कौन सा है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म क्या है, व्हिच स्टेट्स दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी एक्शन आर द ओनली स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अब यूटिलिटेरियंस को थ्री बेसिक एक्सियम्स है, वो क्या क्या है, नो फर्स्ट प्लीजर और हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट ट्रूली हैज़ इंस्टिंक्ट वैल्यू, और दूसरा एक्शन आर राइट इन सो फार एज दे प्रोमोट हैप्पीनेस, रॉन्ग इन सो फार एज दे प्रोड्यूस अनहैप्पीनेस। अब तीसरा देखो एवरी वंस हैप्पीनेस काउंट्स इक्वली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मोटिव यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है रॉबर्ट मेरोई एडम्स, ठीक है। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है जेरेमी बेंथम। रूल यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है जे एस मिल ने। आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है जी ई मूर ने, ठीक है। और नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है कार्ल प्रॉपर और जॉन वाटकिंस, ठीक है। और प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है पीटर सिंगर ने। यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर हम एक सेशन लेंगे, वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग यही याद रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेंटेटरी पदार्थ धर्म संग्रह इज रिटन बाय ऑप्शन ए कोनाद, ऑप्शन बी प्रशस्त पाद, ऑप्शन सी श्रीधर या फिर ऑप्शन डी वाचस्पति मिश्र। देखो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रशस्त पाद। प्रशस्त पाद ने लिखा है पदार्थ धर्म संग्रह के ऊपर एक टिप्पणी। देखो यहाँ पर समझने के लिए कुछ है नहीं, आपको ये स्टैटिक क्वेश्चन है ये याद रखना होगा, ठीक है। आप एक बार जरूर बुक में रीड कर लेना, ठीक है, बहुत सारे किताबों और जो उसका ऑथर है, मैंने जो पीडीएफ डाला था ना टेलीग्राम में वही एक बार रीड कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथागोरस डज नॉट एक्सेप्ट, पिथागोरस कौन सा एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर डज नॉट लिखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो ऑप्शन ए वर्ल्ड इज एन इटर्नल इंटेलेक्चुअल यूनिटी, ऑप्शन बी वर्ल्ड रन्स बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी वर्ल्ड इज मेड ऑफ मोनाड्स, ऑप्शन डी रियलिटी कैन नॉट बी नोन बाय सेंस ऑर्गन्स। आप लोगों को देख के ही पता चल जाना चाहिए कि मोनाड ये तो लाइबनिज ने बोला है, और अगर एटम्स की बात होती तो ये लिसिपस और डेमोक्रेटस ने बोला होता, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोनाड इज मेड ऑफ मोनाड्स, ठीक है। ये पिथागोरस ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बाकी सारे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रायल डज नॉट एक्सेप्ट डेकार्ट्स ड्यूअलिज्म बिकॉज, डेकार्ट्स ड्यूअलिज्म कौन सा है, देखो माइंड एंड बॉडी वो ड्यूअलिज्म है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया रायल ने, क्योंकि देयर इज़ ए कैटेगरी मिस्टेक, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोजिशन इज ए पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, दिस इज द थॉट ऑफ, देखो प्रोपोजिशन वस्तुस्थिति का एक चित्र होता है, ठीक है। ये किसने सोचा है व चिन्हित किया है, तो हमने ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस जब पढ़ा है तो हमने ये देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रोपोजिशन है वो एक पिक्चर है, पिक्टोरियल फॉर्म में हमें उपस्थित किया जा रहा है। तो दिस इज़ द थॉट ऑफ अर्ली विट्गेनस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर ओनली विट्गेनस्टाइन लिखा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विट्गेनस्टाइन, ठीक है। और लेटर विट्गेनस्टाइन ने, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन ने बात किया हुआ है कि यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग को, ठीक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल जजमेंट्स आर गिवेन ऑन, ठीक है, मोरल जजमेंट्स किसके ऊपर दिया जाता है बेस्ट है। देखो ऑप्शन ए ऑल द एक्शंस ऑफ मैन, ये तो नहीं होगा, ऑल द एक्शंस नहीं है, ठीक है। इसमें वॉलेंटरी एक्शन भी है और नॉन वॉलेंटरी एक्शंस भी है, तो ये नहीं होगा। अब देखो वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ मैन या फिर नॉन वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ मैन और विल ऑफ मैन, देखो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वॉलेंटरी एक्शंस ऑफ मैन, ठीक है। नॉन वॉलेंटरी में तो किसी भी तरह के नहीं दिए जा रहा होगा, ठीक है।
ठीक है, मॉरल जजमेंट्स नहीं दिया होगा। मॉरल जजमेंट हम कब देते हैं? जब हम कोई काम ठीक है स्वैच्छिक क्रिया के द्वारा करते हैं, ठीक है, स्व इच्छा से। इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉलंटरी एक्शंस ऑफ मैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थॉट डिफरेंशिएट जैना एथिक्स फ्रॉम बुद्धा एथिक्स। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऑप्शन ए फॉलो अप कर्म पुद्गल्स टुवर्ड्स आत्मा, या फिर ऑप्शन बी फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, ऑप्शन सी नेगेशन ऑफ गॉड, या फिर ऑप्शन डी अहिंसा। देखो, पुद्गल की बात सिर्फ और सिर्फ जैन एथिक्स में ही बात की जा रही होगी। ठीक है, बुद्ध एथिक्स ने तो इसके बारे में कोई भी बता ही नहीं है कुछ, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्लो फ्रॉम कर्म पुद्गल्स टुवर्ड्स आत्मा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूम स्केप्टिक क्यों है? ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता इसलिए, या फिर वो सोल के ऊपर विश्वास नहीं करता इसलिए, या फिर वो मैटर के ऊपर बिलीव नहीं करता इसलिए, ये सारे नहीं है। ठीक है, हमारा जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। देखो, ही डज नॉट बिलीव इन नेसेसरी एंड यूनिवर्सल नॉलेज। ठीक है, यूनिवर्सल नॉलेज और जो नेसेसरी नॉलेज है वो दोनों के ऊपर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसको ह्यूम को स्केप्टिक बोला जाता है। ठीक है, संदेहवादी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? देखो, ऑप्शन ए माइंड इज इंडिविजिबल अनएक्सटेंडेड एंड कॉन्सिक्वेंसली इनकरप्टेबल। देखो, ये दिया था बार्कले ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी माइंड बॉडी रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड ऑन कॉजल बेसिस, ये लाइबनिस ने दिया है, ये सही है। और ऑप्शन सी माइंड एंड बॉडी आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस, ये दिया था डेकार्ट्स ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्यों सही है वो देखते हैं। देखो लाइबनिस अकाउंट ऑफ माइंड बॉडी कॉजेशन। ठीक है, आपको ये पर कीवर्ड ध्यान में रखना होगा कि कॉजेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये फेमस डॉक्टर में एस्टेब्लिश किया गया है, वो क्या है, प्री एस्टेब्लिश हारमोनी में। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखो, यहाँ पर माइंड बॉडी रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड ऑन कॉजल बेसिस। ठीक है, यहाँ पर कॉजल बेसिस पे यानी कि कॉजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकार्ट्स डिक्टम आई थिंक देयरफॉर आई एम रेफर्स टू एन इन्फरेंस, ए परसेप्शन, एन इमीडिएट एक्सपीरियंस, या फिर ऑप्शन डी ए पोस्टुलेट। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये डेकार्ट्स के अनुसार एक तत्काल अनुभव है। ठीक है, एन इमीडिएट एक्सपीरियंस। ठीक है, जब मैं सोचता हूँ मैं रहता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ द गॉड एंड द वर्ल्ड, बार्कले इज। देखो, यहाँ पर गॉड एंड वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशंस है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बार्कले के अनुसार क्या है, पेनेंथिस्ट, पेंथेइस्ट, थियोस्टिक और डीथिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पेनेंथिस्ट। ठीक है, पेनेंथिस्ट का मतलब है अतिश्वरवाद। ठीक है, यहाँ पर बार्कले को कैसे आप याद रख सकते हो, बीपी। ठीक है, बी फॉर बार्कले एंड पी फॉर पेनेंथिस्ट। ठीक है, हमने जब स्पिनोजा के बारे में पढ़ा था तब SPP। ठीक है, स्पिनोजा, पैरेललिज्म और पेनेंथिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोजिशनल फंक्शन इज सच एन एक्सप्रेशन वेयर देयर इज, ऑप्शन ए इंडिविजुअल नॉन कॉन्स्टेंट, इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं है। देखो, इंडिविजुअल नॉन कॉन्स्टेंट ये तो किसी भी तरह का नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर होते हैं इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट और इंडिविजुअल वेरिएबल, तो इंडिविजुअल नॉन कॉन्स्टेंट के बारे में कोई बात ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट। इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है, A to W। ठीक है, स्मॉल लेटर A to W। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, MP MS देयरफॉर SP। ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ, ठीक है, ये कौन सा फिगर है? देखो, MP MS देयरफॉर SP, ये फिगर है थर्ड फिगर का। ठीक है, और बाकी जो सारे फिगर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वो भी हम देख लेंगे। देखो ये हमारा प्यारा सा चार्ट को समझते हैं। देखो, फिगर वन में है, ठीक है, मेजर प्रेमिस में मिडिल टर्म को पहले होना है। ठीक है, और माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म को लास्ट में होना है।
राइट। तो इसका जो फिगर है, ठीक है, इसको एक पिक्चर बना था, देखो MPSM therefore SP, देखो ये एक Z की तरह हो रही है, ठीक है। अब फिगर टू, फिगर टू में देखो मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस दोनों में मिडिल टर्म लास्ट में होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्म बनाते हैं, देखो PM, SM और SP, तो ये एक ऑपोजिट है C का, है ना। अब फिगर थ्री, देखो फिगर थ्री तो एक C है, ठीक है, MPMS देयरफॉर SP। तो मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में ये जो मिडिल टर्म है वो पहले आता है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट फिगर है वो है फिगर फोर, देखो फिगर फोर तो फिगर वन के ऑपोजिट है, ठीक है। तो मेजर प्रेमिस में जो मिडिल टर्म है वो लास्ट में आता है और माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म पहले आता है, ठीक है। ये एक जेड के फॉर्म में लेता है, तो इस वजह से देखो ये जो फिगर वन है वो ऑपोजिट ऑफ जेड है और फिगर फोर है वो जेड है, ठीक है। और फिगर टू क्या है, ऑपोजिट ऑफ सी है, और फिगर थ्री क्या है, ये सी है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ प्रोपाउंडर ऑफ द व्यू दैट एनिमल्स डू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो हमने बोला था ना जो पीटर सिंगर में जब एनिमल लिबरेशन के ऊपर जो किताब लिखा था, ठीक है, वहाँ पर आपको एक कीवर्ड बताया था, क्या वो एनिमल, ठीक है। जहाँ पर एनिमल की वैल्यू की बात होगी या पर जो एनिमल लिबरेशन की बात होगी वो पीटर सिंगर ने दिया होगा, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीटर सिंगर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अप्लाइड फिलोसफी में करवाया था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया जजमेंट रिलेटेड टू द आधार इन 24 सितंबर 2017 इज रिलेटेड टू। देखो आधार की बात हो रही है, तो आधार में क्या होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी होते हैं, ठीक है, जो हमारा जो प्राइवेसी है यानी कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या पर रेटिना होती है, ठीक है, वो सारे तो आधार कार्ड में रहता है ना। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट टू प्राइवेसी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया था श्री अरविंदो में, ठीक है, वहाँ पर जाओ जाके देख लो। देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर श्री अरविंदो द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स क्या है श्री अरविंदो के अकॉर्डिंग, वो रियल है, ठीक है, माया नहीं है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म ये भी नहीं है, और हलूसिनेशन तो कोई भी बात ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रियल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया था। देखो द वन वॉच वर्ड फॉर यूनिवर्सल रिलीजन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इज, देखो यूनिवर्सल रिलीजन में आप कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो बाकी सारे जो ऑप्शंस है, गॉड या फिर सेल्फ प्योरीफिकेशन या फिर सेटिस्फैक्शन, ये सारे कहीं ना कहीं पार्टिकुलर रिलीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एक ही जो वर्ड है वो वॉच वर्ड वो है यूनिवर्सल रिलीजन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया था कौटिल्य के ऊपर, है ना। देखो व्हाट इज़ द गोल्डन रूल अबाउट फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो फॉरेन पॉलिसी है वो, वहाँ पर जो गोल्डन रूल है वो क्या है। देखो एनिमी ऑफ एनिमी इज वंस फ्रेंड, राइट, यही है, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त है। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनिमी ऑफ एनिमी इज वंस फ्रेंड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटालिटी एंड इन्फिनिटी वॉज रिटन बाई, देखो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने जो टेलीग्राम में जो वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर एक PDF डाला था ना, उसको आप जरूर रीड करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लिवेनियस, ठीक है, लिवेनियस ने लिखा है टोटालिटी एंड इन्फिनिटी को, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजिकल रिडक्शन इज एसोसिएटेड विथ, देखो बार्कले, डेकार्ट्स या फिर दोनों या फिर कोई नहीं है। तो ऑन्टोलॉजिकल रिडक्शन जो है वो रिलेटेड है, वो एसोसिएटेड है ऑप्शन ए, बार्कले में,
ठीक है, और जो डेगार्ट्स है वो एपिस्टेमोलॉजिकल रिडक्शन के द्वारा एसोसिएटेड है, राइट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बार्कले ऑन्टोलॉजिकल रिडक्शन और डेगार्ट्स एपिस्टेमोलॉजिकल रिडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट पर्सनालिटी एंड प्रॉपर्टी गो टुगेदर, व्यक्तित्व और संपत्ति एक साथ चलती है, ये किसने बोला है? ये बोला है हेगल ने, ठीक है, जॉर्ज विलियम हेगल, फ्रेडरिच हेगल ने, ठीक है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल ने, ठीक है। हेगल की और एक फेमस कोटेशन है, वो क्या है, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, ठीक है, ये भी आपको याद में रखना होगा, ठीक है, कभी कभी बार ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नया व्हिच प्रमाण कॉग्नाइज एब्सेंस, ठीक है, नए के अनुसार प्रमाण किस अनुपस्थिति को पहचानती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अनुमान, ऑप्शन सी अनुपलब्धि, या फिर ऑप्शन डी शब्द। देखो किसी चीज़ को होना ये तो हम लोग परसेप्शन के थ्रू ही जानते हैं, ठीक है, और अगर कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है ये भी हम परसेप्शन के थ्रू जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर धुआं नहीं है, ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर धुआं नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ फाइव क्लेश, ठीक है, पंच क्लेश अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। देखो इस क्वेश्चन को आप तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखो योग दर्शन में जो पंच क्लेश है, फाइव क्लेश, ठीक है, पहला है क्या, अविद्या, अविद्या पहला है, और लास्ट में क्या है, अभिनिवेश। तो आपको इस ऑप्शन को देखने ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्यों, क्योंकि अविद्या एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन वन, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, अविद्या अस्मिता राग देश एंड अभिनिवेश, ठीक है, यही है फाइव क्लेश अकॉर्डिंग टू योगा दर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रोपाउंडेड दैट रिलीजन इज नॉट मीन्ट फॉर एम्प्टी बेली, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था आप लोगों को, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो वीडियो है वहाँ पर जाओ जाके देख लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, ठीक है, यहाँ पर कृष्णमूर्ति नहीं होगा, ये एक स्वामी विवेकानंद के फेमस कोटेशन है, ठीक है, कि खाली पेट में धर्म नहीं होता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो लिस्ट वन में ऑथर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट टू में उसका जो टेक्स्ट है वो दिया हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो गांधी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, ए को टू से मिला दो, तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, बी और सी, यहाँ पर तो दोनों नहीं है। अब देखो बी श्री अरविंदो, देखो श्री अरविंदो तो द ह्यूमन साइकिल ये ग्रंथ लिखा है, तो बी को वन से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, राइट, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिस शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज द इनफाइनाइट एंड बाउंडलेस मैटर वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाई, देखो इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है बाउंडलेस मैटर, बाउंडलेस मैटर कौन बोला था, एनाक्सिमेंडर ने, ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है एनाक्सिमेंडर। यहाँ पर देखो ऑप्शन डी नान ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पर बाकी सारे जो ऑप्शन है यहाँ में तो एनाक्सिमेंडर है नहीं, तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है एनाक्सिमेंडर, और एनाक्सिमेंडर कॉल्स हिज इनफाइनाइट बाउंडलेस मैटर इज गॉड, राइट, दिस इज द फर्स्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एनाक्सिमेंडर ने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनएफेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर अनएफेक्टेड लिखा हुआ है, बाय द डाउट प्रिंसिपल ऑफ डेकार्ट्स। देखो डेकार्ट्स का जो डाउट प्रिंसिपल है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं है, इस क्वेश्चन को तो आप लोग कॉमन सेंस से बन जाएगा। देखो आई डाउट, ये तो डाउट का ही अफेक्टेड है, ठीक है, फोर एंड फोर आर सेवन, ये तो मैंने डाउट कर सकता हूँ कि ये डाउट है, ठीक है, और आई एम इन ब्लिस, क्या मैं सच में आनंद में हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी डाउट हो सकता है, तो इस वजह से जो सारे ऑप्शंस है, ठीक है, ए बी और डी, ये सब अफेक्टेड स्टेटमेंट है, ठीक है, और जो अनअफेक्टेड है वो क्या है, आई एम सेइंग दैट आई डाउट, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मोर्टालिटी इज दैट ऑफ, देखो मनुष्य और मृत्यु के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, जहाँ पर मनुष्य होगा वहाँ पर मृत्यु भी होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा जो सही आंसर है वो है इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस, ठीक है, मतलब व्यक्ति संबंध, ठीक है। अभी आप लोग देखा होगा कि ये कोरोना के वजह से काफ़ी सारे लोग मर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मानुष है वो मोर्टालिटी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, कौन सा फीचर नहीं है नॉलेज के बारे में। देखो नॉलेज क्या होता है, जो सत्य है वो तो नॉलेज होगा, जो सर्टेनिटी है वो निश्चित जो ज्ञान है, ठीक है, वो तो ज्ञान होगा ही होगा, ठीक है, और जो प्रूफ देखा थे हम लोग, है ना, कोई बात हम बोली तो उसके प्रूफ देखना पड़ता है, तो वो एक नॉलेज है, ठीक है, वो सारे तो नॉलेज है, लेकिन फेथ श्रद्धा ये तो किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज का फीचर नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फेथ, ठीक है, फेथ इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ ट्रूथ, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा थ्योरी ऑफ ट्रूथ नहीं है। तो ऑप्शन ए कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, ऑप्शन बी कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, या फिर ऑप्शन सी प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, या फिर ऑप्शन डी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ट्रूथ। अब यहाँ पर देखो थ्री थ्योरीज ऑफ ट्रूथ, देखो पहला प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, देखो प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ क्या है, ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स और सर्व्स और पर्पस, ठीक है, जो हमारे पर्पस और वर्क के लिए व्यवहार होती है वो प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ होती है, ठीक है। अब देखो कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ क्या है, ट्रूथ इज व्हाट कोहेरेंस विद द रेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, राइट। अब देखो कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ क्या है, ट्रूथ इज व्हाट कॉरेस्पोंडेंस टू फैक्ट। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ट्रूथ, ये तो नहीं है किसी भी तरह का, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कार्डिनल वर्च्यू, ऑप्शन ए प्रूडेंस, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी टेम्परेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो कार्डिनल वर्च्यू किससे रिलेटेड है, प्लेटो ने दिया था, राइट, और जो है कार्डिनल वर्च्यू वो कौन कौन सा है, देखो पी टी जे एफ, पी फॉर प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या है, देखो होप प्लस चैरिटी, ठीक है, और टेम्परेंस, टी फॉर टेम्परेंस, टेम्परेंस क्या है, फेथ प्लस चैरिटी, जे फॉर जस्टिस, तो जस्टिस क्या है, फेथ प्लस होप, राइट, और फोर्टिट्यूड क्या है, फेथ प्लस होप प्लस चैरिटी, राइट, ये सारे जो है वो कार्डिनल वर्च्यू है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो पी टी जे एफ, राइट। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वधर्म का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए वंस ओन ड्यूटीज, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी सेल्फ नॉलेज, या फिर ऑप्शन डी सेल्फ रियलाइजेशन। देखो स्वधर्म का जो अर्थ है वो है वंस ओन ड्यूटीज, ठीक है, जो अपना कर्तव्य है वो स्वधर्म है, राइट। सो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डेथ एज मोक्ष इज अफोर्ड बाय, देखो हमारे जो डेथ होने के बाद ही मोक्ष मिलता है ये क्वेश्चन किसने बोला है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना जो चार्वाक ने दिया था देहात्मवाद, ठीक है, देह को मृत्यु होने के बाद ही हमारा लिबरेशन मिलता है, ठीक है, मृत्यु में ही लिबरेशन है, तो ये बोला था चार्वाक ने, राइट। सो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चार्वाकस। आई होप कि आप सर बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन में, ठीक है, इस सेशन में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ा है, तो आप कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपने जितने सारे दोस्त हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, और इस सेशन को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चित को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।